सो हाय गाइस, कैसे हो। सो आज यहाँ पे हम करने वाले हैं वीवो X60 प्रो का कैमरा टेस्ट। तो फाइनली आज इतने दिनों के बाद वीवो ने उसके X60 प्रो को चाइना में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे आपको एक 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, इसका एपर्चर है f1.7 का। सेकेंडरी कैमरा एक 13 MP का है जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है, इसका एपर्चर f2.2 का। और तीसरा जो कैमरा है वह एक पोर्ट्रेट लेंस है, वह भी 13 MP का आपको मिलता है। और जो चौथा कैमरा है वह एक पेरिस्कोप लेंस है, वहाँ पे आपको जूम वगैरह मिल जाएगा, वह 8 MP का यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे LED फ्लैश है। सेल्फी के लिए 32 MP का सेल्फी कैमरा यहाँ पे दिया गया है जो कि पंचोल के साथ में आता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे एक्सनोस का 1080 वाला चिपसेट हमको मिलता है, 5 NM पे बेस्ड है। और इसके गीकबेंच स्कोर्स हैं 6,20,000 के, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी पावरफुल है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे आ जाते हैं कैमरा सैंपल्स की ओर। तो यहाँ पे आप इन फोटोज़ को देख सकते हो, यहाँ पे इन फोटोज़ की जो डायनमिक रेंज है वह काफ़ी अच्छी है और कलर्स यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आपको मिलते हैं। कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वह भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे गिम्बल मोशन स्टेबलाइजेशन दी गई है, यहाँ पे आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे आप साइड बाय साइड क्लिप का कंपैरिजन देख सकते हो। तो वीवो X60 प्रो में आपको काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। बाकी आप इन फुटेजेस को और फोटोज़ को देख सकते हो, यहाँ पे जो वीवो X60 प्रो है यहाँ पे आपको डायनमिक रेंज काफ़ी बढ़िया मिलती है और डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप इस फुटेज को देख लो iPhone 12 प्रो और वीवो X60 प्रो की। तो वीवो X60 प्रो में आपको बढ़िया कैमरा मिलता है एंड कलर्स भी यहाँ पे आपको बढ़िया मिलते हैं वीवो X60 प्रो में। यहाँ पे आप देख सकते हो नोट 20 के मुकाबले में, बट आप जूम करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काइंड ऑफ समझ जाओ, यही है। बाकी कैमरा वगैरह सब आपको बढ़िया यहाँ पे मिलता है एंड देख लो साइड बाय साइड कंपैरिजन है। वीवो X50 प्रो और X60 प्रो दोनों की फुटेजेस हैं यहाँ पे, एनी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे आप स्टेबलाइजेशन देख सकते हो, अगर आप आउटडोर में वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो तो ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप फुटेज देख सकते हो कितनी स्टेबलाइज है, मतलब तो फ़ोन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। नॉर्मली फ़ोन होते हैं उनमें स्टेबलाइजेशन होती है बट काफ़ी कम होती है, इसको आप देखो तो स्पेशली स्टेबलाइजेशन के लिए अगर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हो, व्लॉग वगैरह बनाते हो, तो ये फ़ोन आपके लिए है। एंड आई लव द फोन क्वालिटी एंड द कैमरा की जो क्वालिटी है ना, आई लव दैट। यू कैन सी यहाँ पे आप मतलब सिनेमैटिक वीडियो हो गई, उस टाइप की फ़ोटोज़ वगैरह शूट कर सकते हो एंड आई लव दैट। नाइट में भी देखने जाएँ तो फ़ोन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये कुछ नाइट के शॉट्स हैं जो कि आप अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे देखोगे, तो ये सारे नाइट में खींचे गए हैं। तो नाइट मोड भी फ़ोन में काफ़ी बढ़िया दिया गया है। नाइट में भी मतलब डायनेमिक रेंज हो गई, जो डिटेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो लो लाइट में भी आप फ़ोन से बढ़िया फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो देख सकते हो यार, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी उन लोगों ने। सो ये फ़ोन स्पेसिफिक कैमरा के हिसाब से काफ़ी अच्छा दिया उन लोगों ने एंड यू कैन सी द कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो यही थी छोटी सी वीडियो इस वीवो X60 प्रो के कैमरा को लेकर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।